एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संत नगर के घर में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। चोर करीब 35 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब घर की महिलाएं पड़ोस के स्कूल से बच्चों को लेने गई थी। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर बिना ताला तोड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी किसी को भनक नहीं लगी। घटना की सूचना वजीराबाद पुलिस को दी गई। पुलिस व टीम मौके पर पहुंच पड़ताल में जुटी है। जी, किस तरह की वारदात हुई है, कब हुई, क्या पता चला, कौन किस तरह से ताला तोड़ा गया है या सिर्फ ताले खोले गए हैं? ताले खोले गए, अभी लग रहे हैं जैसे चाबी से ना खोले गए हों, ऐसा महसूस हो रहा अभी तो, क्योंकि हमने चीज़ों को अभी हाथ नहीं लगाया, ना ताला लगा के चेक किया बंद हो रहा है नहीं बंद हो रहा है। क्या मामला था पूरा जवाब घर आया तो देखा आपने कितने की चोरी हुई? अब चोरी एग्जैक्ट तो अभी जब तक चेक नहीं करेंगे क्लियर नहीं कह सकते, बट लेकिन ये है कि जैसे अब मान लो बच्चों को लेने के लिए गए हैं, मान लो कितना मैक्सिमम 45 मिनट या आधे घंटे 45 मिनट के बीच में ये वारदात हुई है। तो अब जैसे बच्चों को स्कूल लेने गए, आए देखें तो ताला टूट मतलब खुला हुआ था या टूटा हुआ कह लो, क्योंकि छुआ नहीं है अब तक लोगों, तो ऐसा महसूस हो रहा है। ज्वेलरी और कैश लगभग कितने का होगा? मिनिमम मरते मरते 35 या 40 के आसपास, इससे मिनिमम होगा, बाकी तो अब चेक करेंगे तब पता चलेगा कहाँ है या जो रखा हो तो भी गायब हो गया। हाँ, इसके आसपास मिनिमम है, हाँ इससे कम नहीं है। तो अब पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आई है, क्या मामला कर रही है? अभी पुलिस वाले जो अपनी तरफ से हो सकती है वो कार्रवाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इन्वेस्टिगेशन टीम अपने हिसाब से चेक कर रही है, जो पॉसिबल लगता है उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। आधे घंटे के अंदर हाँ। किसी पे शक आपको आसपास कुछ शक? तो देखो ऐसे क्लियर नहीं कह सकते कि किस पे क्या शक है, अब बाकी तो देखो अड़ोस पड़ोस में सब जानने वाला ही है, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते किसके ऊपर क्या। मेरे को सीसीटीवी वगैरह कुछ लगे ना, कुछ नहीं है, नाम के लिए भी कुछ नहीं है। किसी से बात हुई होगा संदिग्ध ऐसा व्यक्ति देखा हो जो गली में नया नहीं, ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली मैं ऑफिस गया हुआ था तो इसलिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई सीसीटीवी तो है नहीं। सर एक बार अमाउंट और बता दें कितने का लगभग दिया? मिनिमम 35 से 40 लाख रुपए के आसपास होगा, इसके बीच का होगा, बाकी अभी जब पूरा चेक करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने हाथों चीज़ों को हाथ। गली में घटना हुई है, कितने की हुई है, किस तरह से हुई है, कौन लोग थे, कुछ जानकारी में आया हो क्या, सीसीटीवी वगैरह में कुछ आए हैं? कैमरे तो इधर है नहीं, एक फ्रंट पे कैमरा है उसमें फुटेज मंगाई है, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, और बाकी माहौल तो सेफ तो है नहीं जी। अब एक पर्सन अगर जिंदगी भर की कमाई रख रहा है और एक झटके में चली जा रही है, हम लोग तो बोल ही सकते हैं, उनके दिल से पूछो क्या बीत रही है, पूरी ज़िंदगी की सेविंग ज्वेलरी, घर में तीन चार बेटियां हैं, दो बेटे हैं, उनके लिए ज्वेलरी ज़िंदगी भर से बनाई थी और आधे घंटे में निकल गई, बताओ। तो किस तरह का डर है इलाके में पहले से? डर क्या, अब इससे बड़ा डर क्या होगा, एक इंसान पूरी ज़िंदगी कमा रहा है, तीन बेटियां हैं, उनके लिए उसने सेविंग कर रखी थी, आधे घंटे के अंदर सब चला गया, इससे बड़ा डर क्या होगा? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आई है, देख रही है, लॉकर देख पता कर रहे हैं, ऊपर से नीचे दो दो लॉकर, दो क्या चार जितनी अलमारियां थी ऊपर नीचे सब तोड़ी गई हैं, और जो जो भी सारा सामान निकाल के खाली उसका डब्बा रख दिया गया है, और आधे घंटे के अंदर ये सारा, खाली बच्चों को स्कूल लेने गई हैं फैमिली, लोग ऑफिस गए हैं, आधे घंटे में जब तक वापसी आ रही हैं सारा काम। अर्चना जी, आप कब बच्चों को लेने स्कूल गए थे और कितनी देर में वापस आए, क्या जानकारी? मतलब 12 बजे 5-10 मिनट पहले गए थे जी, और आधा पौना घंटा में हम आए, 1:15 लगभग आ गए, 1:50 तक जी। तो फिर क्या क्या घर से सामान चोरी हुआ है? मतलब लगातार ज्यादा गोल्ड ही है, और जो मेरे देवरानी उनके पैसे भी थे गोल्ड ही, मेरे तो पैसे ज्यादा नहीं थे, 2-4 हजार जो भी 5-6 हजार यही सब थे कुल मिलाकर, लेकिन गोल्ड तो ज्यादा। कितने की रकम है जी गोल्ड और दोनों मिलाकर? मतलब 12 से 15 लाख लगा लो सर, कैश तो उनका 3 लाख ही था उनका, और बाकी ज्वेलरी उनकी भी बहुत सारी थी और मेरी भी थी। जब आप घर आए तो क्या हालात थे घर के, आपने देखे? हमसे पहले हमारे बच्चे पहुंच गए, वैसे मैं आ रही थी तो स्कूल में प्रोग्राम है, इसी चक्कर में हमें वाइट कुर्ता लेना था तो हम इसीलिए रुक गए, तो गली में आए वैसे बच्चे आ गए थे, तब तक गली के बाहर पहुंचे, मम्मी की घर में ऐसे ऐसे ताला वाला सब टूटा है, अलमारी के लॉक वॉक सब खुला है, हाँ सब सामान बिखरा हुआ था सर। तो किसी पर सर या कोई ऐसा लगा हो कि भाई जो घर की देखी कर रहा हो, कुछ इस तरीके से अनजान आदमी दिखा हो? ऐसा तो कोई नहीं दिखा सर, बच्चे ने जब बताया तो हम तो कैसे भी करके भागते हुए सर आए घर में, ऐसा तो कोई नहीं दिखा उस टाइम, तो जब मैं जा रही थी उस टाइम भी तो नहीं कोई सर दिखा। तो पुलिस क्या कर रही है? अब
सब लिखा तो है सर, पता नहीं देखो क्या होता है।